ठीक है जनाब, हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में केमिकल्स के दरमियान रहते हुए बिजली का रिलेशनशिप मालूम करना, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। बिजली और केमिकल्स का रिलेशनशिप मालूम करना, ठीक है। पहले ज़माने में जो बिजली बनाई गई शुरू में, वो केमिकल के ज़रिए ही बनाई गई, बैटरियों के ज़रिए, ठीक है। बैटरी में केमिकल डालते हैं, तो वो केमिकल क्या करता है, बिजली बनाता है, ठीक है। अब वो बिजली कैसे बनाता है, ये एक सवाल है बड़ा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि पहले मैं आपको ये बात समझा दूँ कि केमिकल बिजली कैसे बनाता है। ये समझ में आ जाएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में और आएंगी। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और चैप्टर कौन सा है ये, 8वां, ठीक है। इसमें हम केमिकल और बिजली के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करेंगे, बिजली और केमिकल का क्या ताल्लुक है एक दूसरे के साथ। तो जाके बोल के, ठीक है। तो मैं अभी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये समझाता हूँ कि केमिकल बिजली कैसे बनाती है, सही है। ये आपके जहन में जब कॉन्सेप्ट रहेगा तो अगले सारे टॉपिक आपको समझना आसान हो जाएंगे। पहले तो आप ये बताइए, बिजली से क्या मुराद है, बिजली से क्या मुराद है, आप क्या समझते हैं बिजली क्या है। बिजली किसे कहते हैं, जिससे पंखा चलता है, जिससे बल्ब जलता है, ये तो छोटे बच्चे बता सकते हैं ना। जो बड़ा इल्मी बात क्या है, बिजली है क्या। बिजली ये है कि आप जानते हैं हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। हर मटेरियल किससे बना है, एटम से मिलके बना है, ये एटम है। अगर ये मैं लोहे की राड दिखा रहा हूँ आपको, तो ये तो मैं दिखा रहा हूँ राड की शक्ल में, अगर इसको अंदर इसके दिखाऊँ अंदर क्या है, तो अंदर इसके ये क्या है, एटम है। और हर एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें प्लस चार्ज है, और दायरों में क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज भी और माइनस चार्ज भी हैं, सही है। अच्छा, जो लोहा है, तांबा है, ये धातें हैं, लकड़ी है, ये धात नहीं है। जो धात होती हैं, लोहा, तांबा, जिंक, उनके एटम साइज़ में बड़े बड़े होते हैं, उनके एटम साइज़ में बड़े होते हैं। और जो गैर धातें हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, उनके एटम साइज़ में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो जब एटम साइज़ में बड़ा होगा, एटम साइज़ में क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसके आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की ग्रिप कम हो जाएगी, न्यूक्लियस उस पर ग्रिप नहीं रख पाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन हो गए फ्री। आपको हमने जब धाती बॉन्ड पढ़ाया था, याद होगा आपको, धाती बॉन्ड में हमने ये बात आपको बताई थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको यूँ घूमना था ना इस ऑर्बिट में, लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियस की ग्रिप में नहीं है, तो ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ जाता है, यहाँ घूमना शुरू कर देता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ घूमना शुरू कर देता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन का जो घूमने का रास्ता है वो उसका अपना ऑर्बिट नहीं है, बल्कि जाली है। याद होगा मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि जाली है। तो जो पूरी जाली है उसमें नेगेटिव चार्ज हैं, और जो बीच में है सारी वो प्रोटॉन्स हैं, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन पाई जाती है उसे बोलते हैं धाती बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड। ये काम लोहे में है, तांबे में है, जिंक में है, सोने में है, चांदी में है, क्योंकि ये धातें हैं, इनके एटम क्या होते हैं, बड़े बड़े साइज़। जबकि अगर आप उठाएं कार्बन, कोयला, उसमें ऐसा नहीं है, उसके एटम क्या हैं, छोटे हैं। आप उठाएं सल्फ़र, उसमें ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन, उसमें ऐसा नहीं है, क्यों,
उसके एटम के साइज क्या है? तो इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के जेरे असर ही रहता, घूमता ही रहता है अपने ही ऑर्बिट में, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। ये बात समझ में आ गई? तो जो धात होती है, धात मेटल, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जो नॉन मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोयले में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नाइट्रोजन में नहीं है, तांबे में है, लोहे में है, धातों में हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों है फ्री इलेक्ट्रॉन? छोटे हम का साइज, बड़े बड़े साइज। ये बात क्लियर हो गई? अब फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सही है। इसका मतलब है अगर मैं ये आपको एक लोहे की राड दिखा रहा हूँ या तार दिखा रहा हूँ तांबे का, तो इसमें बहुत सारे क्या हैं, एटम हैं, और हर एक एटम में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ना जाली में, ये रैंडमली घूम रहे हैं। रैंडमली का मतलब कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, सबकी डायरेक्शन एक ही नहीं है, अलग अलग है। ऐसे में अगर हम धक्का मारें, धक्का किनको? इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारें। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को धक्का कैसे मारते हैं, ये एक अलग मौजू है, ये आप पढ़ोगे अगले साल बहुत डिटेल के अंदर। इलेक्ट्रो पोटेंशियल फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, धक्का। अगर मैं यहाँ धक्का मारूँ, धक्का मारने का तरीका ये, एक बड़ा सा प्लस चार्ज या माइनस चार्ज वाली कोई प्लेट जिस पर क्या चार्ज हो, बहुत सारा माइनस हो, और यहाँ पर एक ऐसी प्लेट लगाऊँ जिस पर क्या हो, बहुत सारा प्लस हो, तो ये जब ये वाला तार इन दोनों के असर में आएगा तो ये माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारेगा, और प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जैसे ही आप ये देंगे, अब इलेक्ट्रॉनों की जो मूवमेंट है वो रैंडम नहीं रही, एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू होगा इलेक्ट्रॉन तार में से। जब धक्का नहीं डाल लगा रहे हो आप, तो क्या हो रहा है, रैंडम घूम रहे हैं। जब धक्का लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक चार्ज का भागना बिजली का लग, बस बिजली क्या होती है, चार्ज एक सिरे से दूसरे सिरे पे भागना शुरू कर दे। और आमतौर पर कौन सा चार्ज भागता है, माइनस चार्ज भागता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। प्लस भी भागता है, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे कि प्लस कैसे भागता है, लॉजिकली भागता है, फिजिकली वहीं रहता है लेकिन लॉजिकली भागता है। बिजली से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागने का अमल बिजली का, सही है। अब ये अगर आप किसी तार में से इलेक्ट्रॉन भगाएं, और भगाने के लिए केमिकल को यूज करें, किसी तार में से इलेक्ट्रॉन भगाने के लिए किसको इस्तेमाल करें, तो हम कहते हैं कि ये बिजली केमिकल के ज़रिए बन रही है। बिजली बनने का मतलब, बिजली बनने का क्या मतलब है, आपने ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागने के लिए तैयार हो गए, और वो इंतज़ाम आपने किसके ज़रिए किया है, केमिकल के ज़रिए किया है, तो हम बोलेंगे ये बिजली केमिकल से बन रही है। अगर आपने पेट्रोल के ज़रिए किया है तो हम बोलेंगे ये बिजली पेट्रोल को आपने पहले इंजन में डाला है और धक्का लगाया है, उससे चल रहा है, सही है। बिजली बनने का मतलब आपके जहन में होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ इसमें बिजली आ रही है, इसका मतलब है वो जो तार है उसमें से चार्ज आ रहा है और इसमें दाखिल हो रहा है और अपना काम करके वापस जा रहा है, सही है। माइनस वाले तार में से चार्ज आ रहा है, अपना काम कर रहा है, और प्लस वाले चार्ज में से डीसी की बात हो रही है अभी हम। फिर बिजली भी दो तरह की होती है, एक वो बिजली जिसमें चार्ज एक ही डायरेक्शन में भागे, और अगर चार्ज एक डायरेक्शन में भागने के बजाय दो डायरेक्शन भागे, पहले यूं जाए फिर यूं वापस आए, फिर जूं जाए फिर वापस आए, फिर यूं जाए फिर वापस आए, हम बोलते हैं अब चार्ज एक डायरेक्शन में नहीं भाग रहा, दो डायरेक्शन में भाग रहा है। अब ये जो बिजली है ये एसी बिजली है, सही है। डीसी बिजली क्या है, चार्ज एक ही डायरेक्शन में भाग रहा हो।
ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? क्या बिजली क्या होती है? चार्ज का एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागना बिजली कहलाता है। ये भागना, उसके लिए आप पीछे से पोटेंशियल देते हो, वो पोटेंशियल जनरेटर के ज़रिए पैदा करते हो या केमिकल के ज़रिए पैदा करते हो। जो केमिकल के ज़रिए पैदा होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। वो केमिस्ट्री जिसमें आप केमिकल के ज़रिए बिजली बनाते हो, उस केमिस्ट्री को या रिलेशनशिप डिस्कस करते हो, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। ये समझ में आ गई बात आपको? बिजली कितनी तरह की होती है? दो तरह की। कौन सी? डीसी और एक एसी। डीसी का मतलब जिसमें चार्ज एक ही डायरेक्शन में भाग रहा हो, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। करंट, करंट क्या होता है? चार्ज का भागना करंट होता है। और एसी करंट क्या होता है? जिसमें चार्ज जा रहा है उसी तार में वापस आ रहा है, जा रहा है तो असल में जा नहीं रहा बल्कि अपनी जगह पे खड़े खड़े वाइब्रेट कर रहा है, टक 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 टक। सही है? हम बोलेंगे अब ये कौन सा करंट है? एसी करंट। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये आपको पता चल गया बिजली क्या होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये केमिकल से बिजली कैसे पैदा होती है। केमिकल से बिजली कैसे पैदा होती है, बहुत तफसील से तवज्जो से सुनिएगा। हमारे पास, हम एक अदद एक बीकर ले लें। क्या ले लें? बीकर। बीकर का मतलब बर्तन ले लें, शीशे का, शीशे का बर्तन ले लें। और इस शीशे के बर्तन के अंदर हम H2SO4 डाल दें, गंधक का तेजाब, डाइल्यूट, हल्का सा, गाढ़ा नहीं, हल्का, पानी में मिला के। और इसमें हम दो जो है राड लगाएं, एक राड कॉपर की हो, तांबे की, तांबे का सरिया, और एक राड जिंक की हो। ठीक है, एक राड किसकी हो? तांबे की। और एक राड किसकी हो? जिंक की। ये दो राड हम इसमें डाल दें। अब देखिए क्या होता है। ये जो H2SO4 है, अगर आप इस H2SO4 का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें, ये क्या है अंदर, तो समझिए। ये हमने आपको जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ा रहे थे तो उस वक्त मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। एक आपके पास केमिकल है सल्फर ट्राईऑक्साइड और एक केमिकल है H2O पानी। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है? H2SO4। और कैसे बनता है समझिए। सल्फर के आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? ऑक्सीजन के पास भी आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है? तो ये ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए पेश कर देता है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें जो जोड़ा है वो एक की जानिब से आया है, दोनों अगर होते तो कोवेलेंट होता। ये बात क्लियर हो गई? ये आपके पास सीधा सीधा सल्फर ट्राईऑक्साइड का फार्मूला है। इसका अट्ठा कंप्लीट है, इसका अट्ठा कंप्लीट है, इसका अट्ठा कंप्लीट है, लेकिन खुद सल्फर का अट्ठा कंप्लीट नहीं है। इसका जब तामुल कराते हैं आप किससे? पानी से। पानी का स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्सीजन के आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किया हुआ। ये पानी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप ये बात जानते हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन के मुकाबले में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब न्यूक्लियस की वो कुव्वत जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा अपनी तरफ खींचा जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस जोड़े पर हाइड्रोजन का असर कम है और ऑक्सीजन का असर ज़्यादा है। समझ में आती बात? अब जनाब, जब इसका तामुल इसके साथ होता है तो सल्फर को, आपको पता है सल्फर के आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसकी ख्वाहिश क्या है? इसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए,
ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। पानी इसको ये सहूलत फराहम करता है, कैसे, पानी का जो ऑक्सीजन है, पानी का ऑक्सीजन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉनों पे कब्जा कर लेता है, सही है, और उसको बाहर निकाल देता है। हाइड्रोजन पे प्लस प्लस दो चार्ज आ गए, दो चार्ज का मतलब इसके अपने इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गए, दो माइनस माइनस। ये दो माइनस किसको शो कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी के नहीं है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इसके अपने और दो किसके, जो हाइड्रोजन से इसने लिए। ये लेके आता है किसके पास, सल्फर के पास, और दो इलेक्ट्रॉन पेश करता है इसको, और खुद के कितने होते हैं इसके, 6, 8 मुकम्मल हो गया, सल्फर का भी हो गया, इस ऑक्सीजन का भी हो गया, इसका भी हो गया, सबका हो गया, सबका काम बन गया। लेकिन इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी के भी नहीं है, तो जो SO4 बनाना ये वो है जिस पर दो माइनस के चार्ज होंगे, और वो जो बेचारा एच बचा, इस पर दो इलेक्ट्रॉन कम है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, H+2। अब ये दोनों आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसमें कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट, इसमें कौन सा है, इसमें भी कौन सा है, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट, सब में कोऑर्डिनेट है। बस इसको यूँ लिख सकते हैं आप, इसमें सल्फर ने दिया हुआ है, इसमें सल्फर ने दिया हुआ है, इसमें सल्फर ने दिया हुआ है ऑक्सीजन को, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन ने दिया हुआ है। ये बात समझ आ गई आपको, इसका मतलब ये है कि ये जो आपको H2SO4 ऐसा दिख रहा है, ये दरअसल इस पोजीशन में है, हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है और सल्फेट के पास दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई, तो अब अंदर जो होगा वो आपको समझ में आएगा। H2SO4 जो गंधक का तेजाब है वो अंदर किस पोजीशन में है, हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है और सल्फेट के पास दो इलेक्ट्रॉन का इजाफा है, दो हिस्सों में टूटा हुआ है। वैसे तो H2SO4 है, लेकिन अब उसमें बड़ी गहराई से उसे देखेंगे तो क्या होगा, H+2 अलग है और SO4 अलग है, -2। ये बात क्लियर हो गई, ये मिटा दूँ, समझ में आ गया ये। अच्छा जी, अब ये जनाब आपके पास क्या है, जिंक है, और ये क्या है, कॉपर है, ठीक है। हाइड्रोजन जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन कम है, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, वो जाता है कॉपर के पास, किसके पास, कॉपर के पास, और कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन पूरा हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं, हाँ हाँ ठीक है, कॉपर से इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, कॉपर के एक एटम से एक एच ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और दूसरे एच ने भी क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, और खुद दोनों क्या बन गए, एक हाइड्रोजन का एटम या हाइड्रोजन का एटम, दोनों मिलके क्या बन गए, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बुलबुले बनाकर खारिज होना शुरू हो गई। अच्छा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो कॉपर पे से तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉपर पे से तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। ये बात पकड़ पा रहे हैं, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन क्या हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा का मतलब एक प्लस चार्ज आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन की एक और प्लस चार्ज आ गया। तो इस तरह से सल्फेट का हाइड्रोजन जब कॉपर के पास पहुंचा और उसने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके गैस बना ली,
तो कॉपर की प्लेट पर दो चार्ज आ गए प्लस प्लस, ये समझ में आ गई। अब बचा सल्फेट, आपको पता सल्फेट के पास दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस ऑक्सीजन वाले, सही है। तो ये साहब पहुंचे यहाँ किसके पास, जिंक के पास, और जिंक को बोला हम दो इलेक्ट्रॉन अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ो हमारे पास आ जाओ, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं पहले से। तो जिंक का एक एटम निकलता है, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलता है, दो। अच्छा यहाँ पे भी कॉपर के एक एटम दो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, ये एक ही एटम जो है डिस्टर्ब हुआ है, ये बात क्लियर हो रही। यहाँ पे सल्फेट पहुँचा, इसने क्या करा, जिंक खुद निकला टूट के, एटम निकला एक, लेकिन एटम निकला किस सूरत में, इलेक्ट्रॉन छोड़ के, जिंक प्लस फॉर्म में आया प्लस टू में। प्लस टू का क्या मतलब है, अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया है, किससे मिला SO4 माइनस टू से, दोनों में मिलकर क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दो छोड़कर आया था, दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर आने का मतलब दो माइनस चार्ज आ गए, समझ में आई बात, कुछ कुछ या नहीं आई। अब एक H2SO4 का एटम मॉलिक्यूल टूटता है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का बनता है, एक मॉलिक्यूल जिंक सल्फेट का बनता है, दो नेगेटिव चार्ज जिंक पर आते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज कॉपर पर आते हैं। अब ये प्रोसेस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, 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 जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, यहाँ क्या जमा हो रहा है, माइनस चार्ज। ये बैटरी के टर्मिनल हैं दो, एक पे क्या जमा हो रहा है प्लस चार्ज, एक पे क्या जमा हो रहा है माइनस चार्ज, कौन जमा कर रहा है, केमिकल, कौन सा केमिकल, H2SO4, हाइड्रोजन गैस निकल रही है बुलबुले बना के, और H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक सल्फेट। H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक की प्लेट पतली हो रही है, कॉपर की प्लेट पतली नहीं हो रही, क्यों, कॉपर ने किसी से तामुल नहीं किया वो जितना है, लेकिन जिंक ने तामुल कर लिया है, जिंक यूज हो गया है। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, खुद ब खुद क्यों होते हैं, इसके पीछे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन के साथ सल्फर का जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, जिंक के साथ बहुत स्ट्रांग है, हाइड्रोजन इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में जिंक क्या है, बहुत अच्छा पॉजिटिव है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए इतनी आसानी से तैयार, जिंक बहुत आसानी से तैयार हो रहा है। तो H2SO4 में हाइड्रोजन लड़ाई झगड़े वाला मामला है, बन नहीं रही मियां बीवी में, मिसाल है, सही है। जो जिंक है वो बड़ा ताबेदार है, तो ये क्या करता है, ये बोलता है हाइड्रोजन को खुदा हाफिज, कौन आ जाए। अब ये स्टेबल है, स्टेबल का मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव है, ये बहुत अच्छा नेगेटिव है, आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा, स्टेबिलिटी चाहता है हर केमिकल, क्या चाहता है, स्टेबिलिटी, वो चाहता है स्टेबल हो जाऊँ, यहाँ वो स्टेबल नहीं है, यहाँ पर वो। तो ये जो केमिकल है H2SO4 ये अनस्टेबल है, जिंक की मौजूदगी में ये पागल हो जाता है और अपनी स्टेबिलिटी छोड़ता है, और H2SO4 किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिंक सल्फेट। ये प्रोसेस खुद बखुद होता है, ये नेचर है इस केमिकल की, ये बात समझ आ गई। इस प्रोसेस के नतीजे में कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज जमा होना शुरू हो जाता है और जिंक के ऊपर माइनस चार्ज जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये प्लेट भरती है, भरती है, भरती है, एक ख़ास वक्त आता है कि जब मज़ीद चार्ज स्टोर करने की गुंजाइश इस सरिये में या इस प्लेट में ख़त्म हो जाती है, फुल चार्ज हो गया, हद होती है इसकी, एक ये भी फुल चार्ज हो गया। जैसे ही ये दोनों फुल चार्ज होते हैं, मज़ीद जिंक टूटना बंद हो जाता है,
क्योंकि अब अगर टूटेगा तो चार्ज कहाँ आएगा, चार्ज घूमेगा थोड़ी, सही है। अब आपकी बैटरी हम बोलेंगे फुल चार्ज है, दोनों प्लेटें फुल चार्ज है। अब हम लेकर आए एक बल्ब, बल्ब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बल्ब है, इसके अंदर ये एक फिलामेंट होता है, क्या होता है फिलामेंट, इसमें ये एक तार होता है। अगर मैं एक तार प्लस से जोड़ दूं और दूसरा तार किससे जोड़ दूं, तो इसमें अपने फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें अपने क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, पता है ना आपको, नहीं पता। ये जो आपका बल्ब होता है इसमें जो फिलामेंट होता है ये एक धात होती है जिसको कहते हैं टंगस्टन। जैसे लोहा एक धात है, तांबा एक धात है, सोना एक धात है, ऐसे ही टंगस्टन भी एक धात है जिसका फार्मूला होता है W। इस धात की खासियत क्या है कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो ये रगड़ बहुत देता है इलेक्ट्रॉन को, क्या देता है, हाँ, जैसे जब आप रगड़ पैदा करेंगे गर्मी पैदा होती है रगड़ से, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से घुसेगा गुजरेगा उसको क्या मिलेगी, रगड़। जब रगड़ मिलेगी तो क्या होगी, गर्मी। अच्छा एक बात और भी है, एक तो रगड़ बहुत पैदा करता है, दूसरा ये है कि ये इतनी आसानी से पिघलता नहीं है, क्योंकि अगर तार गर्म हो जाए गर्म हो जाए गर्म हो जाए गर्म हो जाए तो इस बात का ख़तरा होता है कि पिघल जाएगा। टंगस्टन जो है, ये जो एडिसन हम कहते हैं ना, उसने इतने तजर्बे किए बल्ब बनाने में, बल्ब बनाने में दरअसल वो इस धात को तलाश कर रहा था कि ऐसी धात मिल जाए जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हो, रगड़ की सलाहियत बहुत हो और पिघलने की सलाहियत कम हो, जल्दी ना पिघले। क्योंकि आम तांबा लगाओगे तो क्या होगा, गर्म हो के फटाक करके पिघल के ख़त्म हो जाएगा। तो उसने फिर ये बहुत अरसे में ये धात उसको मिली टंगस्टन, फिर ये बल्ब बना। अब समझिए, जैसे ही आप इसको जोड़ते हो, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका जोड़ बन गया किसके साथ, प्लस के साथ। प्लस क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन कम है। माइनस क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। यहाँ से चला इलेक्ट्रॉन एक, यहाँ से चला, इसमें से गुजरा, रगड़ खाई, क्या पैदा हुई, रोशनी, गर्मी, गर्मी से लाल हो गया ये। फिर ये इलेक्ट्रॉन चला 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 यहाँ आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा एक प्लस चार्ज ख़त्म हो जाएगा। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस का मतलब आ गया इलेक्ट्रॉन, प्लस गायब, एक और आ गया, एक और प्लस गायब। यहाँ 20 थे, दो आए, जैसी दो आए दो की जगह बनी एक और टूट गया H2SO4, उससे दो प्रोवाइड कर दिए, दो यहाँ प्रोवाइड कर दिए। जैसे जैसे यहाँ कम होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से प्रोड्यूस और H2SO4 कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। कब तक जलेगा, जब तक के सारा का सारा H2SO4 जिंक सल्फेट में कन्वर्ट, जब ये H2SO4 नहीं रहेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा पूरा का पूरा, तो ये बैटरी हम बोलेंगे अब ख़त्म। या फिर ये जो जिंक की प्लेट है ये पतली होते 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 क्या हो जाए, यूज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये बात आपको समझ में आई या नहीं है। आपने देखें क्या करा, केमिकल के ज़रिए क्या पैदा कर दी, बिजली। इस केमिकल के ज़रिए बिजली पैदा करना, इसका मतलब है केमिकल और बिजली का एक ताल्लुक है। इसी ताल्लुक को हमें इस चैप्टर में समझना है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।